मैं हरीम की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के। नाम क्या है तुम्हारा? कब से जानते हो मेरी बेटी को? और अपने बाप की फौतगी कभी इसी ने बताया है ना तुम्हें? जी ऐसे ही हुआ था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैं तुमसे काम की बात करती हूँ। देखो बेटा, इसके अब्बा को इसकी शादी की बहुत फिक्र थी, और अगर सच पूछो तो वो इसी फिक्र की वजह से मारे गए। कैसी बातें कर रही हो? क्यों रहने दूं? दोस्त है ना तुम्हारा, तो फिर इसे क्या छुपाना? देखो बेटा, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी करना चाहती हूँ, और इसे इसके घर का करना चाहती हूँ। तुम करोगे इसे शादी? और अगर नहीं करोगे तो बगैर जवाब दिए हुए इससे मिलना जुलना छोड़ दो। किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या हुआ है? चुप करो तुम। तुम्हारे अब्बा के चले जाने के बाद हम मैं जिंदा नहीं रह सकती, बल्कि रह ही नहीं पाऊंगी। अगर चुप ही रहना है तो फिर मेरी बेटी से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं आंटी, मैं ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं हरीम से शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, जुमे की नमाज के बाद आओ और इसे निकाह करके अपने साथ ले जाओ। तुम क्यों रो रही हो? नहीं, वो अश्वन के मेरा घर, मेरी अम्मा, ये सिचुएशन, ये सब भी बहुत वियर्ड है। बस तुम्हें पता है हरीम, असल जिंदगी वही होती है जो इंसान को कदम कदम पर हैरान कर दे। मैं आज वैसे भी तुम्हारे घर आने वाला था, तुम्हें प्रपोज करना है। आई लव यू हरी, आई रियली लव यू। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मुझसे जोड़ दिया है, क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?